अपनी श्रम की बात है, एक अच्छी बात है। और नगर निगम का मैं ऑफिस दे रहा हूँ, नगर निगम की इज्जत ले लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं निभा रजक। किस समय नगर निगम में मौजूद हूं और जैसा कि फरीदाबाद में सीमा एवं पानी की किल्लत और टूटी सड़कें एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है आमजन की परेशानी का, तो आज भी उस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम से गुहार लगाने कुछ लोग पहुंचे। स्थानीय लोग उनसे बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वार्ड 16 के निवासी हैं और पार्षद राकेश भड़ाना भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी जो है एमसी वैशाली मैडम से गुहार लगाई है कि जो है समस्या का समाधान कर दिया जाए। कितने दिनों का आश्वासन मिला है, कब तक समस्या का समाधान होगा, सब जानेंगे पार्षद से और लोगों से। क्या नाम है मतलब? केपी शर्मा है और मैं सीनियर और मैं जो है ना फॉर द लास्ट 10 ईयर्स आई हूँ लिविंग देयर। मेरा जो है मेरे घर के सामने जो है ना सीवर इतना बहता है, अभी भी मुझे शर्म आती है कि भाई मेरा को गैस आ गया तो क्या कहेगा। एक बार इसके अलावा पानी अवेलेबल नहीं हो तो है ही, सबको पता है, ठीक है। मेरे इसके अलावा जो है रोड टूटी पड़ी है, हमारी गाड़ियाँ निकलती है वहाँ से, गाड़ियाँ डेली टूटती है हमारी, टू व्हीलर तो टूटा जूटता है, तो इतना शर्म आती है आपको, इसमें बड़ा परेशान है। सब ने बोला था कि इसका हम सारा टेंडर बना के आपको कार्य करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। आज फिर हम मिलने के लिए आए थे, सेम समस्या वही खड़ी हुई है। आप 3 दिन का मैडम ने टाइम दिया है, 3 दिन के बाद देखते हैं क्या हल निकाल पाते हैं। अभी हमने सैनिक कॉलोनी का सारा इनको सर्वे करा दिया, दौरा करा दिया, सड़कें सीवर पानी सब कुछ दिखा दिया है। 3 दिन का टाइम मांगाएगा, 3 दिन के बाद फिर हम आएंगे, एक बार बात करेंगे, नहीं तो फिर कोई कार्रवाई पब्लिक को ही करनी पड़ेगी। अगर सरकार ने मेन पानी है, पानी के लिए उन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा है। बाकी वो कह रहे हैं कि मैंने सब अपने अधिकारियों से बात करूंगी कि कहां कहां क्या क्या समस्या आ रही है, अगर वो समस्या सॉल्व हो जाएंगी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगी तो फिर हमें एक बार आना पड़ेगा, तब हम देखेंगे क्या करते हैं। समस्या तो हमारे क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 और अरावली क्षेत्र से दिनेश पांचाल मैं हूँ, और यहाँ पे पानी की समस्या पे हमने कमिश्नर मैडम, XCM, SDO, JEE, ऊपर से नीचे तक सभी प्रशासनिक अधिकारी 1 महीने से हम हर तरह से ज्ञापन भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, दौरा भी करा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे कम से कम 5,500 लोग आए हैं जो 14 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे के सारे यहाँ थे। आज मैडम के जॉइंट मैडम मिली है, जॉइंट कमिश्नर मैडम गरिमा शर्मा, गरिमा मित्तल जी तो हम पहले मिले हुए हैं, इनसे आज पहली बार मिले हैं शर्मा जी से। इन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा है और आज दौरा किया है पूरे अरावली और 14 ब्लॉक का। अब पता लगेगा कि इन्होंने कहा कि हमें कोई जादू तो है नहीं कि 3 दिन का टाइम हमें दीजिए ताकि हम बाकी चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। बाकी तो एक्शन और नीचे वाले कर्मचारी तो सब फेल हो चुके हैं, तभी हम यहाँ पर आए हैं आज 1 महीने के। गोपाल गर्ग मेरा नाम है, मैं जे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता हूँ और पार्ट 2 वो एरिया है सैनिक कॉलोनी का जो सबसे लास्ट में आता है। इनकेस अगर पानी आता भी है पीछे से तो वो बूस्टर पे इकट्ठा होके ABC तक ही पहुंच पाता है, वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो हमारी ये भी दरखास्त है कि हम लोगों की भी प्रॉब्लम को सुना जाए, ऐसा ना हो कि पानी पीछे से तो आए लेकिन ABC ब्लॉक जो है वहीं तक पानी पहुंचा के ख़त्म कर दिया जाए। तो पानी की बहुत गहन समस्या है, पानी की समस्या बहुत विकट है यहाँ पर। अगर और इन्होंने जो नंबर डाले हुए हैं SDO ने, JEE ने और है ना जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पानी टैंकर से भी सप्लाई करते हैं, पर उनको फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाते, बुक करो तो बुक करने के बाद 3-3 दिन पानी नहीं आता। और करा क्या है, पहले आधा टैंकर देते थे, अभी 1,000 लीटर देते हैं, मतलब हम लोग झुग्गी झोंपड़ी वालों से भी बदतर हो गए। मतलब 3 दिन में 6 आदमियों की फैमिली, एक फ्लैट की बात कर रहा हूँ, 6 आदमियों की फैमिली कितना पानी लगेगा उसको, 200 लीटर में उसे 3 दिन काट लेगा, वो क्या नहाएगा, क्या पोछा लगाएगा, क्या कपड़े धोएगा, ये क्या करवाएगा उसे। और लगभग ये व्यापार जो चल रहा है 1.5 करोड़ का लगभग है प्राइवेट टैंकर पानी कॉलोनी का महीने के आ रहा है। मैंने गरिमा मित्तल जी को लिखा, ये रीटेल है, इन्होंने रामजी लाल को लिखा, रामजी लाल ने XCN को लिखा, XCN कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं।
एक्सीएम से बात करते करते मैं थक गया, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, लेकिन इनका दर्शन नहीं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुका है। इनके ऊपर 12 लाख रुपए चीफ इंजीनियर के ऊपर खर्च, उनके ड्राइवर, उनकी गाड़ी, उनकी सैलरी, इस तरह नीचे तक देख लीजिए। आप खुद सोचिए इतना पैसा तो सेंचुरी संस्था को बच गया, हम सारे पानी का इंतजाम करते हैं। आप खुद सोचिए, घर से निकलो, पत्नी का पहला था टैंकर नहीं आया, प्राइवेट टैंकर डेली मेरे यहाँ आता है, क्योंकि मैं 4 फ्लोर में रहता हूँ, तो डेली आता डेली पा, तो ये मेरे घर की समस्या नहीं है, ये पानी सही निकल। अब आप सोचो, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मोटरसाइकिल से जा रहा था, मेरा बेल्ट लग गया, इसलिए कि मोटरसाइकिल गच के मैं गई, पानी था कि गड्ढा था, गड्ढे में पानी है कि पानी में गड्ढा। मैडम, मेरा नाम हरदीप शाह सिंह है, मैं सैनिक कॉलोनी के ई ब्लॉक में रहता हूँ। सैनिक कॉलोनी की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा कुछ बढ़ चुकी हैं कि वो अब हमारी हद से बाहर हो चुकी हैं, जिसके लिए MCF को हमने कई बार अप्रोच भी किया है और काफ़ी बार रिक्वेस्टें भेजी हैं, एप्लीकेशंस भेजी हैं, शिकायतें की हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम पूरी सैनिक कॉलोनी के कुछ खास जिनके पास समय था, क्योंकि काफ़ी लोग काम पर जाने वाले हैं, उनको अपने काम भी देखने हैं, और सारे मिलके आके असिस्टेंट कमिश्नर मैडम से बात की है और उनको हमने सैनिक कॉलोनी का दौरा भी करवाया है और पूरी इन्फॉर्मेशन उनको अपडेट की है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट इज सीवर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, एवरीथिंग। अधिकारी लोग कानों से बहरे हो गए, आंखों से अंधे हो गए, सुनते नहीं है, खाली आश्वासन दे। मैडम, जो हमारी एडिशनल कमिश्नर हैं, उन्होंने अभी सैनिक कॉलोनी का उनको दौरा कराया गया था, जो डिस्पोजल्स और हमारे जो बूस्टिंग स्टेशन है उसका दौरा करके मैडम आई हैं, सारी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है। एक्शन साहब उनके साथ थे, उन्होंने हमें उस पर कार्रवाई करने के लिए और जो भी इसके दोषी हैं उनके कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का इन्होंने समय हमसे मांगा है कि हम 3 दिन में आपकी कार्रवाई करेंगे, इस आश्वासन के साथ कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारे हालात सुधर जाएंगे। हम जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन 3 दिन बाद अगर हमारे हालात नहीं सुधरे, हम सभी लोग इससे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे फिर आएंगे। वैसे तो हम पिछले महीनों से आ रहे हैं, इसी प्रक्रिया को अपनाए हुए हैं। आज कमिश्नर मैडम नहीं मिली, पहले कमिश्नर मैडम से भी मिले थे, चीफ इंजीनियर साहब से भी, राम जी लाल से कई बार मिल चुके हैं हम, लेकिन अभी तक कोई सही जवाब या कोई सही कार्य जो है ना, हम सही दिशा की तरफ नहीं। मैम, सैनिक कॉलोनी में आप गई थी, वहाँ के पार्षद राकेश भड़ाना के साथ क्या समस्या मेजर वहाँ पर देखने को मिली? सैनिक कॉलोनी में हमें शिकायत मिली थी वहाँ के लोगों से कि पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है, उसके लिए जो भी वहाँ पे एक्शन है, कदम जी के साथ जाके वहाँ पर मौका देखा गया है और समस्या को समाधान करने के लिए उनको 3 दिन का वक्त दिया गया है। 3 दिन में हम ये आशा करते हैं कि वहाँ पे पानी की जो आपूर्ति है वो सुचारू रूप से। मेजर प्रॉब्लम किस तरीके की दिक्कत की वजह से पानी की समस्या बनी हुई है? पाइपलाइन की प्रॉब्लम है और वहाँ पे बूस्टिंग स्टेशन पे जो मशीन है वो ख़राब है, जो मोटर है वो ख़राब है, उसको रिपेयर करवाने के लिए उनसे कहा है कि वो प्रपोजल बना के दें ताकि उसके लिए पैसा रिलीज हो, मोटर की रिपेयर समय से हो। अच्छा, मोटर रिपेयरिंग करके समस्या का समाधान किया जाएगा। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोग आक्रोशित भी हो गए थे, क्या हुआ था? अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बाहर शोर भी सुनाई दे रहा था जो लोग आए थे। देखिए, लोग परेशान हैं वहाँ पर, उनकी समस्या जायज़ भी है, मानते हैं कि उनको काफ़ी असुविधा हुई है इस वजह से, तो लोगों का गुस्सा यहाँ पर ऑफिस में आके गुस्सा फूटा है उनका। लेकिन हम फिर भी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि नगर निगम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, किसी की समस्या मिलती है तो उसका समाधान करने का, लेकिन किसी से मिसबिहेव करना ऑफिस में आके, इस सब की तो हम उन लोगों से जनप्रतिनिधि से भी गुजारिश करेंगे कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि किसी भी ऑफिसर के साथ बदतमीजी ना करें, किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के साथ कभी भी मिसबिहेव ना करें। तो हम आपकी सेवा के लिए ही हैं और हम तत्परता से आपकी सेवा में पूरा कोशिश करेंगे। मतलब 3 दिनों के बाद कयास लगाए जा सकते हैं कि उनकी समस्या का समाधान होगा? मैं आशा करती हूँ कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं होता है तो जो भी जिम्मेदार मिलेगा इसके लिए, जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा लापरवाही के लिए, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।